रही है क्राइम स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में दो दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामलों में फरार चल रहे मुकीम काला गिरोह के शातिर बदमाश अकबर निवासी गढ़ी दौलत थाना कांदला को मुठभेड़ गिराने का दावा किया है। बदमाश के पास से लाखों रुपए की नकदी और भारी मात्रा में अवैध असला भी पुलिस ने बरामद किया है। मुठभेड़ में पुलिस का एक SI और एक कांस्टेबल भी घायल हो गया है, जिनको राजकीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि यह मामला जनपद शामली के थाना जिंजाना क्षेत्र ऊन रोड का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक इनामी बदमाश किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए क्षेत्र में घूम रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बदमाश की घेराबंदी करते हुए जब बदमाश को सरेंडर करने को कहा तो बदमाश ने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए बदमाश पर फायर कर दिया, जिसमें पुलिस की गोली बदमाश के सीने में जा लगी और बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान बदमाश की मौत हो गई। बदमाश की पहचान अकबर पुत्र महमूद निवासी गढ़ी दौलत थाना कांदला जिला शामली के रूप में हुई है। बदमाश 1 लाख का इनामी मुकीम काला गिरोह का सक्रिय सदस्य है, जो बीते दिनों 1 लाख के इनामी बदमाश साबिर जंदेड़ी के साथ मुठभेड़ में अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। मृतक बदमाश अकबर के ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। मृतक बदमाश के पास लाखों रुपए की अवैध नकदी एवं भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस ने मृतक बदमाश का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के शामली से संवाददाता फुरकान जंग की रिपोर्ट।